पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2.38 लाख केस। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू कोरोना पॉजिटिव। कोहरे के कारण 10 ट्रेनें लेट और 20 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल। यूएन प्रमुख सामने आया बड़ा बयान, दुनिया के सभी लोगों को टीका नहीं लगाने पर आएगा कोरोना का नया वेरिएंट। यूपी में श्रावस्ती से बसपा ने नीतू मिश्रा को बनाया उम्मीदवार। 23 जनवरी को ही होगी यूपी टेट की परीक्षा, सीएम योगी ने ट्वीट कर अटकलों पर लगाया विराम। राजस्थान के कई इलाकों में भारी धुंध, चूरू में सिर्फ 25 मीटर विजिबिलिटी। पंजाब में चुनाव के लिए सीएपीएफ की 1050 कंपनियों की तैनाती की मांग। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 120 अंक उछला, एनएसई का निफ्टी भी हरे निशाने पर खुला।